मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मैंने अशोक इंगले की मांग पर 3 कामों को मंजूरी दी है। प्रफुल्ल पटेल ने एयरपोर्ट बनाया है जिससे भविष्य में एविएशन इंडस्ट्रीज बनने पर विकास होगा। मैं आज गोंदिया से बालाघाट तक 4 लाइन को मंजूरी देता हूं। मैं एक बार चेक करूंगा, गोंदिया में आरओबी मंजूर नहीं थी। 7 करोड़ की आरओबी को मंजूरी दी है। गोंदिया को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इसके लिए जिलाधीश से बात कर योजना तैयार करें, मैं तत्काल मंजूरी प्रदान करूंगा। ऐसा प्रतिपादन परिवहन व सड़क केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आजादी अमृत महोत्सव अंतर्गत जिला क्रीड़ा संकुल में आयोजित भूमि समारोह में किया। प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रफुल्ल पटेल, सांसद सुनील मेढे, अशोक नेते विनोद अग्रवाल, विजय रांगडाले, डॉक्टर परिणय फूके, जिला परिषद अध्यक्ष पंकज रांगडाले, भाजपा जिला अध्यक्ष केशव राव मानकर, नेत्राम कटरे आदि उपस्थित थे। गडकरी ने आगे कहा कि गोंदिया के रिंग रोड की बात पुरानी है, मैं बहुत बार गोंदिया आया करता था, रेलवे फाटक की समस्या थी जिससे परेशानी हो रही थी। प्रफुल्ल पटेल ने जो बताया उसे मैं मंजूर कर रहा हूं। पश्चिम के बाईपास का काम जल्द शुरू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के माध्यम से स्मार्ट सिटी की योजना तैयार करें, नगर परिषद विधायक और सांसद सब मिलकर एक नया गोंदिया बनाएंगे। सांसद पटेल और सांसद मेढे ने ड्राईपोर्ट की बात रखी है। मैंने जालना में ड्राईपोर्ट बनाया है। हमारे देश का कपास बांग्लादेश जाता है। एक कंटेनर को खाली होने में 20 दिन लगते थे। इसी तरह किराया 60 लाख रुपए था जिससे ब्रह्मपुत्र नदी में जलमार्ग बनाया है। वर्धा में ड्राईपोर्ट से कंटेनर हल्दिया जाते हैं, वहां से समुद्र मार्ग से बांग्लादेश पहुंचते हैं। 500 कंटेनर कपास हमारे यहां से जाता है। विदर्भ के किसानों को अच्छा भाव मिले। गोंदिया भंडारा जिले से 15,000 करोड़ का चावल एक्सपोर्ट होता है। सांगली सतारा में ड्राईपोर्ट बनाया है जिसमें पैकेजिंग 5 लाख करोड़ रुपए है। मैं गोंदिया में ड्राईपोर्ट शुरू करने की मंजूरी देता हूं। जिलाधीश से बात करें, 300 करोड़ फ्री दूंगा। मैं 6 महीने बाद फिर भूमि पूजन करने आऊंगा। मेरा सपना किसानों को उन्नत करने का है। चावल पैदा करने वालों का भविष्य अच्छा नहीं है। चावल चना शक्कर सरप्लस है, केवल तेल की कमी है जिससे किसान राइस ब्रान, सोयाबीन और सरसों के विषय पर सोचे। पंजाब और हरियाणा में चावल रखने के लिए जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रशिया का फूड और फ्यूल को लेकर झगड़ा है। किसान अन्नदाता नहीं बनेगा बल्कि किसान ऊर्जा दाता बनेगा। हम इथेनॉल बनाते हैं, पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल रहे हैं, रशिया ने प्रयोग किया। गडकरी ने मजाकिया लहजे में कहा कि जिसने पूर्व जन्म में पाप किया उसे शक्कर कारखाना थमा दिया जाता है। शक्कर कारखाने में बड़ा घाटा उठाना पड़ा, लेकिन पहली बार 22,000 टन शक्कर का निर्यात किया गया। देवहाड़ा में 600 करोड़ का नया विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तनस से CNG बनाएंगे। पांगोली नदी का विकास करने के लिए उन्होंने मार्ग के निर्माण कार्य में लगने वाली रेती गिट्टी पांगोली नदी से उत्खनन कर मार्ग के उपयोग में ले जिससे नदी का जलस्तर बढ़ेगा। गोंदिया भंडारा जिले में अनेक तालाबों का निर्माण किया गया है। सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हमारी पिछली 40 वर्षों से दोस्ती है, हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेम और दोस्त की तरह रहे हैं। मेरा चुनाव हो तो मेरा डट का विरोध करते हैं, उसके बाद हम दोनों को आमने सामने देखकर आश्चर्य होता है। यह एक अच्छे इंसान और दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति है। गडकरी की पहचान अलग तरह की है। कोई भी व्यक्ति काम करेगा तब देश आगे बढ़ेगा। प्रगतिशील विचारधारा जरूरी है। 50 साल आगे देखकर काम करना होगा। चुनाव में डटकर मुकाबला करो, इसके बाद एक साथ काम करो। इथेनॉल के विषय में काम हो रहा है। गडकरी की सोच है इथेनॉल का उपयोग करेंगे तो बाहर से तेल का आयात कम करना पड़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी। नागपुर सहित विदर्भ का विकास करने और सोच बहुत जरूरी है। गोंदिया शहर के विकास के लिए रिंग रोड जरूरी है। पटेल ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष कोमारा कारंजा होकर जाने वाले रिंग रोड को कुड़वा से बालाघाट मार्ग से जोड़ने की मांग रखी। इसी तरह MIPL परिसर में लेन एसेड़ा के प्रस्तावित 200 एकड़ की जमीन पर ड्राईपोर्ट निर्माण करने की मांग की है। MIPL के साथ कंटेनर टर्मिनल बनाए जहां से चावल के कंटेनर बाहर भेजे जा सकेंगे। प्रस्तावना CRIF मुंबई के राजीव सिंह ने रखते हुए बताया कि 350 करोड़ रुपए की लागत से आमगांव गोंदिया मार्ग का निर्माण आरओबी के तहत किया जा रहा है जिससे यातायात में सुविधा होगी। आभार राष्ट्रीय महामार्ग विकास विभाग के कार्यकारी अधिकारी नरेश पोरकर ने माना, केंद्रीय मंत्री गडकरी के हाथों ऑनलाइन विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। और ये बहुत गोंदिया के लिए आवश्यक है। ये गोंदिया में सबसे बड़ी समस्या थी, मैं बहुत बार गोंदिया मेडिकल कॉलेज के पीछे से उतना पूरा रिंग रोड, एक तो इधर का ऑलरेडी मंजूर हुआ है जिसका लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ है और आगे का आप जो कह रहे हैं उसको भी मैं मंजूर कर रहा हूँ। यह पूरा रिंग रोड की रिंग मैं आपको बना के दूंगा और उसके कार्य का शुभारंभ करूंगा। जो पश्चिम का वेस्ट बाईपास है उसका लैंड एक्विजिशन प्रस्तावित है और वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा।
और आप जैसा कहा ये रोड से आगे मेडिकल कॉलेज से आगे से ये रिंग को रोड को पूरा करेंगे, पर इसमें आप एक काम करिए। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की।